किसी ने बड़ी सोहनी गल कही है कि इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों दी गलतियां तो ही सीखे, क्योंकि किसी के कोल इन्नी जिंदगी नहीं हुंदी कि वह गलतियां कर करके सीखे। इसलिए बुढ़ापा आने तो पहला इस कहानी विचली सिक्ख्या नू पल्ले बन लो ताकि अखीर विच पछताउणा ना पवे। एक बार दी गल है, महात्मा बुद्ध अपने चेलियां दे नाल एक पिंड विचों लंघ रहे सी। उन्होंने देखिया कि उन्हां तों थोड़ी ही दूर एक रुख दे थले एक बिरध आदमी बैठा होया सी। वह पहला तां जोर जोर नाल हसदा ते फिर अचानक ही रोण लग जांदा। बुद्ध दे नाल नाल उन्हां दे चेले भी ये सब देख रहे सी। जदों महात्मा बुद्ध उस बंदे कोल गए तां उह बुद्ध नूं देख के फट फट के रोण लग पिया ते उन्हां दे पैरां विच डिग पिया ते कहिण लग्या कि तुसीं जो भी आखदे हो वह बिल्कुल सच है, पर मैं ही तुहाडियां गल्लां नूं समझ नहीं सकिया ते तुहाडा विरोध करदा रहा, तुहाडा अपमान करदा रहा। इन्ना कह के उस बुढ़े शख्स दियां अखां विचों लगातार हंझू वह तुरे। बुद्ध ने उस शख्स दियां अखां साफ कीतियां ते बिना कुछ बोले थोड़ी देर उस दे मूँह वल देखते रहे। फिर बुद्ध ने अपनी बगली विचों दो रोटियां कढ़ियां ते उसनू खाण लई दे दित्तियां। वह शख्स वाकई बहुत भुखा सी, उसने फटाफट वह रोटियां खा लिया ते पानी भी पी लिया, पर रोटी दी हर बुरकी खाण वेले कदे वह हसदा ते कदे रोण लग जांदा। बुद्ध दे चेलियां नू लग रहा सी कि शायद उस शख्स पागल है। उन्हां विचों एक ने तां बुद्ध नू पुछ ही लिया कि महात्मा, कि इस बजुर्ग दा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, सानू तां इह कोई पागल लग रहा है। बुद्ध ने जवाब दिता कि बिल्कुल नहीं, यह शख्स पागल नहीं, सगों इस नूं तां ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुसीं भी इस दे कोल बैठो ते इस कोलों ज्ञान लवो। वह सारे उस बजुर्ग कोल जाके बैठ गए ते उसनूं सवाल कीता कि सानू तुहाडे हसण ते रोण वाली गल समझ विच नहीं आई, कि तुसीं सानू इस दे पिछे दा कारण दस सकदे हो। उस बजुर्ग ने गल सुनाउणी शुरू कीती कि अज तो कुछ साल पहला मैं महात्मा बुद्ध नूं मिलिया सी, मैं उन्हां दे उपदेश सुने, पर मैनूं उन्हां दे उपदेश बिल्कुल बेकार लगे। मैनूं लगदा सी कि जिंदगी जिउण ते जिंदगी विच अगे वधण लई बुद्ध दे उपदेश किसे काम दे नहीं। मैनूं लगदा सी कि बुद्ध एवें लोकां नूं मगर लाई फिरदे ने। इस लई मैं बुद्ध दे विरोधियां नाल मिल के उन्हां खिलाफ साजिशां रचदा सी। मैं लोकां सामने रज के महात्मा बुद्ध नूं भांडदा ते कोशिश करदा कि लोक उन्हां दे झांसे विच ना आउण ते ज़्यादा तो ज़्यादा लोक उन्हां दे खिलाफ हो जाण। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशां विच कहिंदे सी कि ज़्यादा पैसे दा लालच इंसान नूं दुख दिंदा है, पर बुद्ध दी इह गल मैनूं बेतुकी लगदी सी। उह भी आखदे सी कि ना तां झूठ बोलो, ना ही शराब दा सेवन करो ते ना किसे नाल ठगी ठोरी करो, पर बुद्ध दियां इह गल्लां भी मैनूं जहर वर्गियां लगदियां सी, क्योंकि उन्हां दिनां विच मैं भी इह सब कुछ ही करदा सी। अपना कारोबार वधाउण लई झूठ बोलना, ज़्यादा फायदे लई झूठ बोल के लोकां नूं ठगणा ते फिर रात नूं शराब पी के सारे दिन की थकान लाउणी। पर उन्हां दिनां विच मैं इह भी देखिया कि जो लोग बुद्ध दियां इह गल्लां मानदे सी उन्हां दी जिंदगी होरां दे मुकाबले बहुत वधिया सी, जदकि उह लोक इन्ने अमीर भी नहीं सी। ते मैं उन्हां तों कुछ सीखण दी बजाए उन्हां नाल ईरखा करदा सी। ये सोच के ही मैं रो रहा कि काश ये गल्लां मैं उदों समझ लईआं हुंदियां, हुण जाके मैनूं इन्हां गल्लां दी समझ आउण लगी है, जदकि हुण मैं बुढ़ा हो गया ते मेरे कोल बहुता समां भी नहीं बचिया। ते मैं हसदा इस लई आ क्योंकि मैनूं देख रहा है कि मेरे आस पास दे लोक भी उही गलती कर रहे ने, ते इन्हां नूं भी ये गल उदों ही समझ आउणी आ जदों समां रेत वांगू इन्हां दे हत्थां विचों निकल गया। फिर मेरे वांगू ये भी पछताउणगे कि काश पहलां ही इन्हां गल्लां नूं समझ लिया हुंदा। चेलियां ने अगे कहा कि साडी एक होर बेनती है, जिहड़े ज्ञान की प्राप्ति तुहानूं होई है साडे नाल उह भी सांझा करो तां जो साडे ज्ञान विच भी वाधा हो सके ते असीं भी जिंदगी की गहराई नूं समझ सकीए। उस शख्स ने अग्गे हाथ जोड़ के कहा कि तुसीं महात्मा बुद्ध दे चेले हो,
बुद्ध नालों ज़्यादा गहराई नाल जिंदगी नू किसे ने नहीं समझा। मैं तुहानू वो ता नहीं दस सकता जो सिर्फ बुद्ध ही तुहानू दस सकते ने, पर फिर भी मैं तुहानू उन्ना ता दस ही सकदा जिन्ना क इस जिंदगी नू मैं समझा है। जिंदगी दे आखरी पड़ा ते आके मैं सिख्या है कि हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई बस एक दूजे तो अगे निकल जाण लई काला होया पिया है, हर कोई सर्वोत्तम बनन दी लालसा नाल दौड़ रहा है। ये अगे लंघ जाण दी दौड़ बचपन तो ही शुरू हो जाती है। जदों मैं छोटा सी तां अपने दोस्तां तो अगे निकलना चाहुंदा सी, मैं चाहुंदा सी कि मेरे कोल मेरे दोस्तां नालों वधिया खिडौणे ते सोहणे सोहणे कपड़े होण। मैं हर हालत विच उन्हां नालों सोहणा दिखणा चाहुंदा सी। मेरी माँ बहुत सख्त सुभा दी सी, वो मैनू मेरे पसंद के खिडौने ते मठियाइयां लैण तो हमेशा रोकदी सी। इसलिए कदे कदे मेरे मन विच ख्याल आउंदा सी कि जेकर ये मर जावे तां मैं आज़ाद हो जावांगा ते अपनी मर्जी नाल खिडौने ते मठियाइयां लै सकांगा, पर अजिहा नहीं होया। फिर मैं सोचिया कि जल्दी वड्डा हो जावां तां कि मैं बाकी वड्डे बच्चियां दी तरह अपने फैसले आप लै सकां। इस तरह ही मेरा बचपन बीत गया ते मैं जवान हो गया, पर उदों तक खिडौने ते मठियाइयां वर्गियां चीज़ां मैनू बेकार लगन लग पईआं। हुण मेरे अंदर नवीआं इच्छावां ने जन्म लै लिया सी। मैं अपने दोस्तां ते रिश्तेदारां नालों ज़्यादा पैसा कमाउणा चाहुंदा सी तां कि मैं उहनां नूं दिखा सकां कि मैं उहनां नालों ज़्यादा काबिल हाँ। मैं उहनां तों वड्डा घर बनाउणा चाहुंदा सी ते उहनां तों वधिया रहिण सहिण अपनाउणा चाहुंदा सी तां जो सारे मेरा सन्मान करन ते मैनूं इज्जत देण। इस लई मैं लोकां नूं झूठ बोले, उहनां खिलाफ़ साजिशां रचियां ते उहनां नाल ठगियां भी मारियां, पर उस समें मैनूं इह सब वधिया लगदा सी। मैं सोचदा सी कि इस तरह की जिंदगी विच इस तरह ही पैसा कमाया जा सकता है ते अगे वधिया जा सकता है। फिर कुछ समय बाद मेरे घरदिआं ने मेरा विआह कर दिता। मैनूं बहुत ही सोहणी घरवाली मिली जो मेरा बहुत ख्याल रखती सी। मैनूं उसकी हर गल चंगी लगती सी, पर विआह दे काफ़ी सालों बाद भी मेरे कोई संतान नहीं हुई। मैनूं इस गल की चिंता अंदरों अंदर ही खाण लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जदों मैं अपने दोस्तों के घर उन्होंने बच्चों हसते खेडते दे देखता तो मैनू उन्हां नाल ईरखा हुंदी ते सोचता कि काश मेरे घर भी बच्चों दियाँ किलकारियां गूंजदियां। फिर बड़ी जल्दी परमात्मा ने मेरी सुन ली ते मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस दिन मैं बहुत खुश सी, मैनू लग्या जिवें मैनू दुनिया की हर खुशी मिल गई होवे। हुण मैनू होर कुछ भी नहीं चाहिदा सी, पर कुछ समय बाद मेरे मन विच ख्याल आया कि जेकर मेरे दो पुत्र होण तां मेरी जिंदगी होर भी बेहतर हो जावे। ते इस वार भी परमात्मा ने मेरी नेड़ियों होके सुनी ते मैं दो पुत्रां दा प्यो बन गया। मैं अपने पिता दे शुरू कीते व्यापार नूं बहुत अगे लै गया। एक दिन मेरी पत्नी ने मैनू कहा कि तुहाडे पिता जी ने तां व्यापार शुरू ही कीता सी, पर इस कारोबार नूं वड्डा तां तुसीं ही बनाया है, सारा तुहाडी मेहनत दा ही फल है। ते वैसे भी तुहाडे माँ बाप तां बुढ़े हो चुके ने, उन्हां नूं कारोबार तुहानू संभाल के चार धामां दी यात्रा ते चले जाना चाहीदा है। मैनू भी ये गल ठीक लगी, इसलिए मैं अपने पिता जी नाल इस बारे गल करी, पर उन्हां ने साफ मना कर दिता। मैनू बड़ा गुस्सा आया। उस दिन तो बाद मैनू अपने प्यो की हर गल बुरी लगन लग पई। कारोबार विच कुछ भी करन तो पहलां मैनू उन्हां दी सलाह लैनी पैंदी सी, मैनू हर गल बहुत तंग करदी सी। हुण मैं आज़ाद होना चाहुंदा सी, घर ते व्यापार दे सारे फैसले मैं खुद लेना चाहुंदा सी। बड़ी छेती परमात्मा ने मेरी ये बेनती भी सुन ली। अचानक ही मेरे पिता जी बीमार हो गए ते ओह मंजे ते पै गए। मैनू लग रहा सी कि हुण ओह जल्दी ही इस दुनिया तो विदा लै लैणगे। मैनू इस गल तो दुखी होना चाहीदा सी, पर किते ना किते मैं मन ही मन खुश सी क्योंकि हुण मैनू टोकण वाला कोई नहीं होवेगा ते सारे फैसले मैं आप लै सकांगा। फिर उन्हां दी हालत होर ज़्यादा खराब हो गई, इत्थों तक कि हुण ओह बोल भी नहीं सी सकदे। वैद ने दस्या कि हुण उन्हां कोल ज़्यादा समां नहीं बचिया।
अपने दोस्तां मित्रां ते रिश्तेदारां नूं सुनेहा भेज दिओ कि आखिरी वार आके मिल जाण। एक हफ्ता बीत गया ते पिता जी दी सेहत होर खराब हो गई। मेरी पत्नी ने मैनूं कहा कि हुण सारे तां इन्हां नूं मिल के जा चुके ने, हुण इह मरदे क्यों नहीं। मैनूं वी उस दी गल ठीक लगी, घट्टो घट पीड़ां तों तां उन्हां दा खेड़ा छुट जाएगा। अगली सवेर जदों मैं उठिया ते मैं अपने पिता दे कमरे विच गया तां देखिया कि मेरे पिता दा देहांत हो चुकिया सी ते मेरी माँ उन्हां दे सराहणे बैठी रो रही सी। उदों मैनूं वी बड़ा वड्डा झटका लग्या ते अपने बाप नाल बिताए वह सारे पल मेरी अखां मूहरे आ रहे सी। मैं भी अपनी माँ दे नाल जोर जोर नाल रोण लग पिया। फिर मैं फैसला किया कि मैं अपने बाप की अंतम यात्रा पूरी धूमधाम नाल कढ़ांगा तां जो सारे लोग देख सकन कि मैं अपने प्यो नूं किन्ना प्यार करदा सी। मैं बिल्कुल उस तरह किया, लोग हैरान सी ते हर पासे मेरे बाप की अंतम यात्रा बारे ही गल्लां हो रही सी। लोग मेरिया तरीफां दे पौल बन रहे सी ते मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा सी। फिर व्यापार उपर मैं पूरी तरह काबज हो गया, हुण हर फैसला मैं अपनी मर्जी नाल लैंदा सी। मैं खूब तरक्की कीती, इसलिए मैनू जो भी करन दी लोड़ पई मैं वह किया। पैसे प्रति मेरा लालच दिनों दिन वधदा ही जा रहा सी। देखदे ही देखदे मैं अपने इलाके का सब तो अमीर व्यापारी बन गया। मेरे दोनों बेटे भी हुण वड्डे हो गए सी, उन्हां दे व्याह भी मैं वड्डे रसूखदारां दे घर ही कीते सी तां कि मैनू मेरे व्यापार विच उन्हां कोलों सहायता मिल सके ते मेरा कारोबार होर फैल सके। फिर एक दिन मेरी माँ की हालत भी खराब हो गई ते वह भी इस दुनिया तो चले गए। मैं भी हौली हौली बुढ़ापे वल वध रहा सी ते मेरे बच्चे भी मेरे कारोबार विच मेरा साथ देण लग पए। फिर अचानक कुछ सालां बाद मेरी पत्नी भी पूरी हो गई। उस दिन मैनूं लग्या जिवें मैं बिल्कुल इकला रह गया ते मैं उदास रहन लग पिया। फिर मैनूं किसी ने महात्मा बुद्ध बारे दस्या। मैं उन्हां कोल गया ते उन्हां दे प्रवचन सुने, पर उन्हां दे उपदेश मेरी सोच दे बिल्कुल खिलाफ सी। मैं उन्हां दी किसी भी गल नाल सहमत नहीं सी। मेरे वांगू होर भी बथेरे लोग सी जिहड़े उन्हां दीआं गल्लां नाल सहमत नहीं सी। इसलिए असीं मिल के महात्मा बुद्ध दे खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिता। इस तरह ही होर कई साल बीत गए ते मैं अपने पुत्रां नाल अपने व्यापार नूं होर वधाउंदा गया, पर हुण दिनों दिन मेरा शरीर कमजोर हुंदा जा रहा सी। इसलिए हुण ज़्यादातर व्यापार मेरी औलाद ही सांभ रही सी। फिर एक दिन अचानक मेरी हालत ज़्यादा ही खराब हो गई, इसलिए मैं शहर दे चंगे तो चंगे वैद नूं बुलाया, पर कोई फायदा ना होया। मेरी हालत होर भी ज़्यादा खराब हो गई। फिर एक दिन मेरा वड्डा बेटा मेरे कोल आया ते कहन लग्या, पिता जी हुण तुसीं बुढ़े हो गए हो ते तुहाडी सेहत भी अजकल ठीक नहीं रहिंदी, इसलिए कारोबार की जिम्मेवारी मैनू दे दिओ, मैं इसनूं बाखूबी संभाल लवांगा ते छोटे भरा की भी देखभाल करांगा। यह सुनदिआं ही मैं कहा कि मैं सिर्फ बीमार हाँ, मरिया नहीं, मैं थोड़े दिनों विच फिर तो सेहतमंद हो जावांगा। वह बिना कुछ बोले उतों चलिया गया। उस दे उतों जाण तों बाद मेरा छोटा बेटा मेरे कोल आया ते बोलिया कि पिता जी अपने कारोबार की जिम्मेवारी मैनू दे दिओ, मैं इसनूं तुहाडे तरह ही बहुत अगे लैके जावांगा। तुसीं तां जाणदे ही हो कि मेरा वड्डा भरा तां नशे करदा है, इसलिए इस कारोबार नूं चलाउणा उस दे वसों बाहर है। यह सुन के मैं उसनूं भी कहा कि बेटा मैं सिर्फ बीमार हाँ, मरिया नहीं, मैं थोड़े दिनों विच फिर तो सेहतमंद हो जावांगा। यह सुन के वह भी उत्थों चलिया गया, पर मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होंदी जा रही सी। वैद्या ने भी कह दिता कि हुण मेरे कोल ज़्यादा समा नहीं बचिया, इसलिए अपने दोस्तां मित्रां ते रिश्तेदारां नूं सुनेहा भेज दिओ कि आखिरी वार आके मिल जाण। यह सुन के मेरे घर दे सारे जी रोण लग पए ते मेरे बेटे सारे सके संबंधियां नूं खत लिखण लग पए। मैं मंजे ते पिया इह सब देख रहा सी। मैं हजे जिउंदा सी, पर मेरी मौत दा तमाशा मेरिया ही अखां अगे चल रहा सी। मैं कुछ भी नहीं सी कर पा रहा ते जिंदगी विच पहली वार मैनू अपने पिता की बेवसी का एहसास हो रहा सी।
हौली हौली सारे रिश्तेदार मेरा पता लैन लई मेरे कोल आउण लगे। वह मेरे कोल बैठ के रोंदे ते आखदे कि तुहाडे बिना साडा काम किस तरह चलेगा। मैं सोचदा कि फिलहाल तो मैं जिउंदा हाँ, ये मैनू हुण तो ही क्यों मार रहे ने। उहनां नूं मेरे मरन का दुख नहीं सी, उहनां नूं तां बस इस गल का दुख सी कि मेरे मरन तो बाद उहनां दा काम किस तरह चलेगा। सारे मतलबी ने, हुण तां मेरे दोवें बेटे मेरे सामने ही जायदाद की लड़ाई लड़न लग पए ते इस लड़ाई विच मेरियां नूहां भी उहनां दा साथ दे रहियां सी। उस दिन जिंदगी विच मैनूं पहली बार महसूस होया कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके मैं जो दौलत इकट्ठी कीती उह किसे काम दी नहीं। वह दौलत मेरी जान नहीं बचा सकती, मैनू ठीक नहीं कर सकती, तो यह दौलत ही मेरी औलाद विच नफरत का कारण भी बन गई। जिस दौलत के पिछे मैं बचपन तो दौड़ रहा सी, ते जिस दे लई मैं पता नहीं किन्नियां नूं झूठ बोलिया ते ठगिया, इसलिए कि यह सब इत्थे ही धरिया धराया रह जाए। काश मैनू यह गल उस दिन समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिता जी बीमार पए सी, तां मैं अपनी जिंदगी नूं एक नवीं दिशा दे सकदा सी, ऐसे काम कर सकदा सी कि लोग मैनू मरन तों बाद भी याद रखदे, क्योंकि उदों मेरे कोल समा ऊर्जा ते पैसा तिन्ने ही सी। पर जदों तक यह गल समझ आई उदों तां बहुत देर हो चुकी सी। मैं अपने पुत्रां नूं बुला के पुछया कि तुसीं मेरी अंतम यात्रा किवें कढोगे। वड्डा पुत्र बोलिया कि जेकर तुसीं सारा कारोबार मेरे नाम कर देवो तां मैं तुहाडी ऐसी अंतम यात्रा कढांगा कि लोग देखदे रह जाणगे ते समझ जाणगे कि तुसीं एवें ही इस नगर दे सब तों अमीर वपारी नहीं सी। फिर दूसरा बेटा बोलिया कि जेकर तुसीं सारा कारोबार मेरे नाम करो तां मैं तुहाडी ऐसी अंतम यात्रा कढांगा कि किसे राजे महाराजे दी भी ऐसी अंतम यात्रा नहीं निकली होवेगी। लोग इस यात्रा नूं सालां बद्धी याद रखणगे। इन्ना कह के दोनों बेटे फिर आपस विच लड़न लग पए ते मेरियां नूहां भी उन्हां नाल इस लड़ाई विच उलझ गईयां। मैं उत्थे पिया सोच रहा सी कि ये सब मैं अपनी लगन ते मेहनत नाल बनाया, अज ये सारा कुछ छुट रहा ते मेरी कमाई दौलत नाल ही मेरा सौदा कीता जा रहा है। मैं हुण तक इस घमंड विच रहिंदा सी कि मैं सब तो सफल जिंदगी माणी है। उस दिन महसूस होया कि मैं तो जिउणा ही शुरू नहीं सी कीता ते आखिरी समा आ गया। मैं किन्ने लोकां नूं मरदे होए देखिया, अपने पिता नूं, अपनी माँ नूं, अपनी पत्नी नूं, सब दी दौड़ शमशान विच जाके खत्म हो जाती है। मैं भी किन्नी वार उत्थे आया सी पर ये कदे नहीं सोचा कि मेरा सफर भी इत्थे आके ही खत्म होवेगा। पता नहीं किस चीज़ में उलझ गया, बचपन में अजिहा उलझा कि बुढ़ापे तक उलझदा ही गया। हुण जाके समझ आया तो हुण समा ही नहीं रहा, सब कुछ हथों निकल गया तो पछतावा पल्ले रह गया। इन्ना कह के वह बजुर्ग चुप हो गया तो महात्मा बुद्ध कोल जाके बोलिया, मैं अपनी सारी जिंदगी अपने हाथी खराब कर दिती, कि इन्हां बचे हुए दिनों लई मैनू तुहाडे कोलों कुछ मिल सकता है। महात्मा बुद्ध बोले, अपनी जिंदगी का बहुत वड्डा हिस्सा बेशक तुसी अज्ञानता विच ही गुजार दिता, ज्ञान का तो एक पल ही बहुत वड्डा हुंदा है। तुहाडे कोल हुण जो समा है वह ज्ञान नाल भरिया होया है, इसलिए हुण जो भी मिले उसनू हस के स्वीकार कर लवो। वह चाहे साह होण जां फिर मौत, बची हुई जिंदगी नू पूर्णता नाल देखो ते जो बीत गया उस लई पछतावा करना बंद कर दिओ। वर्तमान विच रह के वर्तमान दे हर पल नू माणो। जिन्ना रहस जीवन विच है इस तों किते ज़्यादा रहस मौत अंदर है। जिन्नी खुशी जिंदगी नहीं दे सकती उन्नी खुशी मौत दे सकती है। बस तुसी होश विच रह के बची हुई जिंदगी दे हर एक पल नू देखना, बीते हुए कल ते आने वाले कल की चिंता मनों कढ़ के हुण चल रहे इस पल दे नाल एक हो जाना। फिर जो ज्ञान तुहाडे अंदर आवेगा आखिरी पलों विच उही तुहाडी सहायता करेगा। सो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी विचली सिक्ख्या नूं समझ के
तुसीं भी अपनी जिंदगी नूं बेहतरीन ढंग नाल बतीत करोगे। सो इसे तरह दीआं कहानियां लई पंजाबी अल्फाज चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो दे नाल। अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।